हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अफसाला किचन। तो आज मैं आपके लिए एक लजीज रेसिपी लेके आई हूँ, गुलाब जामुन। तो आइए मेरे किचन में। अब हमने सबसे पहले चाशनी बनाने रख दी है। ये 4 ग्लास हमने इसमें वाटर डाला है। अब इसमें मैं शुगर ऐड करूंगी। ये छोटा बाउल मैं इसमें 2 कटोरी शुगर ऐड करूंगी। ये अभी मैं बंद कर रही हूँ। 2 बाउल मैंने शुगर इसमें डाल दिया है चाशनी बनाने के लिए। अब मैं फ्लेवर के लिए इसमें इलायची ऐड करूंगी, ताकि हमारे गुलाब जामुन में अच्छा इलायची का फ्लेवर आ जाए। ये है 1/2 टेबल स्पून। थोड़ी क्वांटिटी में मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मैंने चूल्हे पे इसको रख दिया है चाशनी को। अभी ये चाशनी कम से कम आधा घंटे तक हमें इसमें रखनी है। तब तक इसका ये पानी जो है हाफ ना हो जाए, तब तक हमें इसको चूल्हे पे रखे रहना है। सेकंड प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 150 ग्राम हमने बैटर लिया है। अब मैं इसको मिल्क में इसको गूंदूंगी। मैं इसको स्पून की मदद से इसमें ऐड करूंगी, ताकि हमारा ये बैटर बहुत अच्छे से हो जाए। कभी कभी हम लोग बहुत गलती कर देते हैं, ज्यादा डाल देते हैं मिल्क। मिल्क से हमारे गुलाब जामुन फट सकते हैं। कोशिश ये करना कि ज्यादा इसको गूंदे ना। ज्यादा गूंदने से भी हमारे गुलाब जामुन फट सकते हैं। हमें इसको ज्यादा गूंदना नहीं है। हमें इसको 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है, जब तक ये चिकना नहीं हो जाए। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ 10 मिनट तक। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। अब मैंने इसको रख दिया है 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। आज मैं अपने गुलाब जामुन में खजूर ऐड करूंगी और काजू। मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था। पीसने के बाद मैं इसको मैं गुलाब जामुन के बीच में इसमें डालूंगी और इसकी गोले बनाऊंगी। गोले बनाने के बाद फिर मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। ये फटेंगे नहीं। ऐसे गुलाब जामुन आपने नहीं खाए होंगे, खजूर वाले गुलाब जामुन। ये मेरी खुद की रेसिपी है, गुलाब जामुन। एंड इसमें मैंने मिक्स किया है काजू। काजू भी मैंने इसमें ग्राइंड किया था खजूर के साथ में। मैं इसमें इसको मिक्स करूंगी बीच में, जैसा की आप देख सकते हैं। फिर मैं इसको गोल कर दूंगी हाथ की मदद से। मैंने इसको राउंड कर दिया है, लेकिन इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने इसमें खजूर का जो मैंने ये पीसा था वो उसमें ऐड किया है। तो ये थोड़ा सा तो रहेगा ऐसी, लेकिन बहुत यम्मी बनेंगे आपके गुलाब जामुन खाने में। गर्मा गर्म गुलाब जामुन रेडी है। तो अब हम इसे बहुत आराम से, सुकून से खाएंगे। वेरी टेस्टी। मैंने जो आप लोगों को बताया था कि मैंने खजूर को ग्राइंड किया था, तो आप बिल्कुल छोटा गोला लेना, उसमें थोड़ा सा ही डालना है, वो ज्यादा नहीं डालना। अगर ज्यादा डालोगे तो वो फटने का डर रहेगा, तो आप उसमें थोड़ा सा ही डालना, बहुत मामूली सा उसके अंदर ऐड करना थोड़ा सा, और उसको गोल गोल अपना राउंड राउंड करके शेप ले लेना, और फिर इसको तेल में फ्राई कर देना। मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और हाँ, एक बात और जरूर याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।